तो डिप्टी कमिश्नर साहबा की हिदायत पर मैं डीएसपी साहब हैं, माजिद साहब हैं, एसएचओ साहब थे, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपलिटी, हम सब एक्सटेंसिव टूर हमने किया बाज़ार का, तो कहीं कहीं पे जुर्माना भी और अवेयरनेस भी करवाई मार्केट चेकिंग के साथ साथ कि लोगों को एतदाल, मार्केट जो रेट्स हैं उनको एतदाल में रखें, और कहीं पे जो रोटन वेजिटेबल्स वगैरह थी उनको भी डिस्ट्रॉय किया, और जनरली हमने अवेयरनेस दी कि मास्क का जो कम इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर जोर दिया। तो अब सर आने वाले दो दिन के अंदर अंदर आने वाले दो दिन में भी ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, तो लोगों से हमारी पुरजोर इल्तिमास है कि वो हमारा तआवुन करें एडमिनिस्ट्रेशन का, ये लोगों की भलाई के लिए ही है, पब्लिक इंटरेस्ट में जो कुछ भी किया जा रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो लोगों को इस चीज़ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए। सर ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज का जो अहतमाम होगा या दूसरे इज्तिमात होंगे, उस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं? देखिए इमाम साहिबान की आज डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने मीटिंग तलब की थी, वाज़े हिदायत हैं कि अपनी लोकल मस्जिद में कम भीड़ भाड़ के 25 की तादाद को मद्देनज़र रखकर नमाज को कायम किया जाएगा, और कहीं पर बड़ा इज्तिमा नहीं होगा ईदगाहों में या कहीं पर भी, हसबी साहब का पिछली ईद की तरह इज्तिमा छोटे होंगे और 25-25 की तादाद को लेकर नमाज अदा की जाएगी। ठीक है, सर SOPs देखा गया है कि लोग SOPs का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ यही लगा, लोग SOPs का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपकी तरफ से क्या हिदायत होंगे लोगों को कि वो मास्क पहने, और जुर्माने के हवाले से आप हमें बताएं कि इसमें आप क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे जो